नमस्कार साथियों, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सबसे बड़ी अपडेट आप सभी की रिजल्ट डेट यहां पे आ चुकी है। अभी अभी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पर एक नया नोटिस आ चुका है। अगर आप भी इस पेपर में शामिल हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और 5 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल। पूरी जानकारी चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यूपी बोर्ड के रिजल्ट का यहाँ पे जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ नतीजों में है। इस बार जो है ग्रेडिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। क्या है ग्रेडिंग सिस्टम? तो आपको बता दें, ग्रेडिंग सिस्टम के तहत जो है छात्रों को पास किया जाता है। अगर आप लोगों के अंक कम आ रहे होते तो इस स्थिति में आप सभी को कुछ बोनस अंक मिलकर आप लोगों को जो है अच्छा खासा अंक जो है आपको मिल जाता है और आप पास हो जाते हैं। आपको बता दें, ये काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। इस बार फेल होने वाले छात्रों की संख्या जो है बढ़ी है। वहीं बात करें तो आप सभी के नतीजों को अब 20 तारीख तक की 20 तारीख से पहले पहले ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर और upresult.nic.in पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 55 लाख से ज़्यादा छात्रों ने इस बार जो है पेपर दिया था 10th और 12th में। इस बार जो है बोनस अंक मिल सकते हैं आपको, बोनस अंक 5 से लेकर 10 अंक के बीच में। वही बात करें तो इस बार जो है सभी छात्रों को जो है ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। A1 से लेकर E2, ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है उच्चतम ग्रेड वाले को A1 कहते हैं और जबकि सबसे निचला ग्रेड जो है वो E2 कहलाता है। और प्रैक्टिकल कंपोनेंट घटकों के सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं A से E के लिए अलग अलग ग्रेडिंग प्रणाली है। तो ये ग्रेडिंग प्रणाली जो है इस बार जो है निकल के आई है, अलग नियम जो है अपनाया जा रहा है रिजल्ट में, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट बताई जा रही है सभी छात्रों।